मैं सदिया को मैं अब्दुल्ला, आप देख रहे हैं देसी रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप पर हमारा साझा, अगर साझा है तो लाइक शेयर जरूर करें। ये फुर्तियां आ गई क्योंकि फन तरह आज रौनक की वीडियो आ गई, वो भी इस तरह बोलते हैं, मतलब उसका थोड़ा सा लहजा बदला, मैं कहता हूं उसकी तरह बोले। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल राम मंदिर पॉलिटिक्स। देखो राम मंदिर में पॉलिटिक्स शुरू कर दी, खैर ये धार्मिक चीजें थी, रिलीजियस रिलेटेड चीजें, इसमें कहां आ गई पॉलिटिक्स। पर देखते हैं वीडियो क्या है, फिर देखते हैं इस पर एक्शन। दोस्तों आखिरकार 500 सालों के इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। एक ऐसा पल जिसका इंतजार हिंदुओं को सालों से था, एक ऐसा लम्हा जिसे सच करने के लिए सैकड़ों भक्तों ने अपनी जान गंवा दी, एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए लाखों लोगों ने जमीन पर उतर कर आंदोलन किया, एक ऐसी ख्वाहिश जिसे हकीकत बनाने के लिए सालों तक अदालत में लड़ाई लड़ी गई और आखिरकार दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं का यह सपना सिर्फ चंद दिनों में पूरा होने वाला है। यकीन मानिए दोस्तों, दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए इससे बड़ी खुशी, इससे सुंदर दिन और इससे दिव्य अनुभूति कोई हो ही नहीं सकती। माना जा रहा है कि देश भर से 25 लाख लोग इस पल का गवाह बनने अयोध्या पहुंचेंगे। इन लोगों के स्वागत के लिए अयोध्या का हर घर होटल बन चुका है। देश भर से अयोध्या के लिए 1000 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अयोध्या का नया एयरपोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। अयोध्या का नया रेलवे स्टेशन यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। और ऐसे समय में जब पूरा देश उस दिन की उल्टी गिनती गिन रहा है, कुछ नेताओं को ये सारी तैयारी, लोगों की ये उत्तेजना रास नहीं आ रही। उन्हें इस बात से चिढ़ हो रही है कि देश में राम मंदिर का ऐसा सुरूर क्यों छाया है। उन्हें इस बात से तकलीफ हो रही है कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में क्यों जा रहे हैं। वो इस बात पर भी अपनी छाती कूट रहे हैं कि हर दिन अखबार में मंदिर निर्माण की खबरें क्यों छप रही हैं। तो भाई आज के इस वीडियो में, आज के इस पंतंत्र में राम मंदिर के उत्साह से चिढ़े हुए ऐसे ही नेताओं की हम खबर लेंगे। तो आइए इनकी बारात निकालते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों से इसे शेयर करते हुए कॉमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फनतंत्र, मैं हूं रौनक। 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:20 पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसका सपना देखते देखते न जाने कितनी पीढ़ियां गुजर गई, मगर सैकड़ों सालों की यह हसरत महज कुछ हफ्तों में हकीकत बनने वाली है। इससे पहले कि मैं इस कार्यक्रम से पहले चिढ़े हुए नेताओं पर आऊं, आपको उद्घाटन से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बता देता हूं। 22 जनवरी को तो राम मंदिर का उद्घाटन है, मगर उससे एक हफ्ते पहले 16 जनवरी को दशविध स्नान, विष्णु पूजन, पंचगव्य प्राशन और गोदान का कार्यक्रम होगा। उसी दिन मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। फिर 18 जनवरी को मंडप प्रवेश, वास्तु, गणेश पूजन और रामलला का जलाधिवास होगा। 20 जनवरी को देश की अलग अलग नदियों से 81 कलशों में लाए गए जल से भगवान श्री राम का जलाभिषेक होगा। 21 जनवरी को भगवान श्री राम का 121 कलशों से दिव्य स्नान होगा और 22 जनवरी को मृगशिरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा की महापूजा होगी। उद्घाटन से पहले अयोध्या के चप्पे चप्पे को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। पूरे शहर का कायाकल्प हो चुका है और हर अयोध्यावासी अपने शहर में पूरी दुनिया का स्वागत करने के लिए खुली बाहों से तैयार खड़ा है। मगर जैसा कि हर शादी में कुछ नाराज फूफा लोग होते हैं, उसी तरह मंदिर के उद्घाटन से पहले कई नाराज फूफा सामने आ चुके हैं। ये ऐसे नाराज फूफा हैं जो पहले तो शादी के ही खिलाफ थे और अब जब शादी होने जा रही है तो भी इनका मुंह फूला हुआ है, वो भी इस हद तक कि लेफ्ट और कांग्रेस जैसी पार्टी के कई नेताओं ने तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में न जाने का फैसला भी कर दिया है। नाम है सीताराम और खुद नहीं जा रहे प्राण प्रतिष्ठा में, बताइए कोई सेंस है इस बात का। खैर, ममता बनर्जी की पार्टी भी शायद इसमें नहीं जाएगी। लालू नीतीश ने भी अभी तक आने पर हामी नहीं भरी है। कांग्रेसी तो इस बात पर सुलगे हुए हैं कि बीजेपी इस पूरे कार्यक्रम के जरिए खुद लाइमलाइट क्यों ले रही है। एक्सेप्ट रियलिटी, टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट, टॉक अबाउट इन्फ्लेशन, टॉक अबाउट यू नो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड चैलेंज। तो सुना आपने, चचा को इस बात की पीड़ा है कि सरकार मंदिर निर्माण के कार्यक्रम में क्यों डूबी हुई है। देश में और भी तो मुद्दे हैं, उस पर क्यों बात नहीं होती। इनका यह भी कहना है कि ऐसा करके देश के पीएम राजनीति में धर्म को घुसा रहे हैं। सच में यार, कहना नहीं चाहिए मगर जब भी कांग्रेसी ऐसी बातें करते हैं तो मुझे यकीन हो जाता है कि ये इतने सालों से सत्ता में क्यों नहीं आ पाए, क्यों ये हर स्टेट में साफ होते जा रहे हैं। स्कैम पित्रोदा जी, सॉरी सैम पित्रोदा जी, आप छोड़िए ना, बीजेपी क्या कर रही है, आपको क्या लेना देना, क्या आपको देश की करोड़ों जनता
का मूड नहीं दिखता क्या? हेलो, क्या आपको ये नहीं पता कि मंदिर बनने से दुनिया के करोड़ों हिंदू कितने खुश हैं? अगर आपको सच में उन लोगों की खुशी समझ में आती तो आपके लिए कोई और बात मायने ही नहीं रखनी चाहिए थी। लेकिन बजाय इस मौके को सेलिब्रेट करने के, ये कहने के कि कांग्रेस भी इस मौके पर वहां जाएगी, आप बीजेपी को लेकर बैठ गए। अरे भाई, ये बताइए, कौन सी सरकार अच्छे कामों से खुद को नहीं जोड़ती है? बीजेपी अगर 40 साल से इस मुद्दे पर राजनीति कर रही थी कि सत्ता में आए तो राम मंदिर बनाएंगे, पिछले कार्यकाल में जब मंदिर नहीं बना तो आप ही लोग उसे चिढ़ाते थे कि बीजेपी का नारा होना चाहिए मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे, और आज मंदिर बन रहा है, बीजेपी के कार्यकाल में बन रहा है, तो पार्टी क्यों इसका क्रेडिट नहीं लेगी? बताइए, आपकी तरह बीजेपी भी राजनीतिक पार्टी है कि नहीं है? वो भी यहाँ राजनीति करने ही आई है, भजिए तलने तो आई नहीं है, बताइए। हेलो। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री या सरकार तो मंदिर की ही बात कर रही है, बाकी मुद्दों पर कोई बात क्यों नहीं हो रही? ये आपको किसने कह दिया पित्रोदा जी कि कोई भी आदमी या सरकार एक वक्त में एक ही काम कर सकता है? एक आदमी जब दिन भर काम करते हुए 5 बार नमाज पढ़ सकता है, एक हिंदू आदमी सुबह शाम पूजा करते हुए अपनी बाकी के काम भी कर सकता है, तो आपने ये कैसे मान लिया कि जो सरकार मंदिर निर्माण की तैयारियों में लगी हुई है तो इस दौरान वो बाकी सारे काम धाम छोड़कर बैठ गई है? आपको बेरोजगारी की बात करनी है, महंगाई की बात करनी है, भ्रष्टाचार की बात करनी है, कीजिए ना, किसने टोका है? आप ही के इंडी गठबंधन में 30 से ज्यादा पार्टियां हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा आपके पास सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है, रखिए ना अपनी बात, सरकार को एक्सपोज कीजिए ना, किसने रोका है? इसलिए चचा, इतनी बात समझ लीजिए कि जैसे जिंदगी जीने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं प्यार भी चाहिए होता है, सिर्फ अपनों का साथ ही नहीं ईश्वर का आशीर्वाद भी चाहिए होता है, उसी तरह एक देश और समाज के लिए बिजनेस, नौकरी, काम धंधों के साथ साथ उसका धर्म और उसकी संस्कृति भी बहुत जरूरी होती है। समझ आया आपको? हेलो। दूसरा आर्ग्यूमेंट जो लेफ्ट पार्टियों की तरफ से दिया जा रहा है वो ये है कि भाई प्रधानमंत्री तो देश का होता है, वो कैसे किसी धार्मिक स्थल का उद्घाटन कर सकता है, प्रधानमंत्री को धार्मिक राजनीति से दूर रहना चाहिए। हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक धर्म का, धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए, ये वो सही नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, अब ये भी बड़ी अजीब बात है, अब ये किसने कह दिया आपको कि हिंदू बहुल राष्ट्र में अगर देश का हिंदू पीएम देश के सबसे बड़े आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाता है तो इससे वो सेक्युलर नहीं रह गया? बताइए, जहां तक सेक्युलरिज्म पर मेरी आखिरी जानकारी थी उसके हिसाब से सेक्युलर होने का मतलब है कि हर धर्म की बराबर रिस्पेक्ट करना, हर धर्म को उसकी प्रैक्टिस करने की छूट देना। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर जा रहे हैं तो इससे वो कम्युनल कैसे हो गए? मैं बोलना तो नहीं चाहता था मगर पिछली सरकारों में तो रमजान के वक्त इफ्तार पार्टी होती थी, मुझे इसमें तो कुछ गलत नहीं लगता, होनी भी चाहिए, आप तो उन सरकारों में पार्टनर भी रहे हैं। तब तो किसी ने सवाल नहीं पूछा कि सरकारों को ऐसे धार्मिक आयोजन से दूर रहना चाहिए, तब तो किसी ने नहीं कहा कि देश का प्रधानमंत्री या किसी स्टेट का मुख्यमंत्री अगर रमजान में इफ्तार पार्टी दे रहा है तो नवरात्रों में कंजक क्यों नहीं बिठाता, वो कन्या पूजन क्यों नहीं करता? अगर धर्म को राजनीति में नहीं घुसाना चाहिए तो आप तब क्यों नहीं कुछ बोले जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक संख्यकों का है? अगर राजनीति में धर्म को नहीं घुसाना चाहिए तो शाहबानो केस में राजीव सरकार ने मौलानाओं के दबाव में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटकर राजनीति में धर्म को नहीं घुसाया था क्या? हेलो, क्या बात है सर, क्या बात है सर। दूसरी बात, ये किसने कह दिया कि किसमें क्या घुसाना है या क्या नहीं? जब इंडी गठबंधन या राहुल बाबा बार बार जातिगत जनगणना करके जातियों की संख्या के हिसाब से उनके हक की बात करते हैं तो क्या ऐसा बोलकर वो राजनीति नहीं करते? क्या उनकी सच में नीयत है कि वो लोगों को उनका हक दिलाएं? बिल्कुल नहीं, उसके पीछे भी तो यही राजनीति है ना कि हिंदुओं को अगर जाति के नाम पर बांट दिया तो बीजेपी कमजोर हो जाएगी। मतलब अगर खुद को सूट करे तो राजनीति में जाति को घुसा लो, लेकिन अगर कोई दूसरा अपने फायदे के लिए अगर सिर्फ अपनी धार्मिक पहचान को ले आए तो आप चिल्लाने लगो है? ऐसा कैसे चलेगा दीदी, बताइए। अरे भैया, हिंदू बहुल देश में भगवान श्री राम जी के मंदिर में अगर देश का प्रधानमंत्री नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, किम जोंग उन या उर्फी जावेद? मगर नहीं, हर दिन कोई न कोई ऐसा बयान लगातार दे रहा है। कपिल सिब्बल बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले तो दिखावा करते हैं, राम तो मेरे दिल में बसते हैं। सीताराम येचुरी, जिनके नाम में सीता भी है और राम जी भी, उन्होंने तो राम मंदिर के उद्घाटन के लिए मिले निमंत्रण को ही ठुकरा दिया। वाह, एक गजब बात है भाई। This inauguration ceremony is that it has been converted into a state-sponsored event. So therefore, in these circumstances, I regret not being able to attend the function. यहाँ देश दुनिया से लोग इस मौके का गवाह बनने के लिए मरे जा रहे हैं। लोग बसों, ट्रेनों, हवाई जहाज में लद लद कर अयोध्या आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया क्योंकि वहाँ पीएम भी आ रहे हैं। मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है।
अब मैं तो इस ऑब्जेक्शन को सच में नहीं समझ पा रहा हूँ भाई। अगर पीएम इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, यूपी के सीएम भी आ रहे हैं और बाकी पॉलिटिशियंस की तरह आपको भी इन्विटेशन मिला है, तो प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई, दिक्कत तो तब होती और राजनीति तब होती जब सिर्फ सरकार के लोगों को बुला लिया जाता और बाकी पार्टियों को पूछा नहीं जाता। अब जब सारी पार्टियों के लोग आ रहे हैं तो फिर उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री से तो करा नहीं देंगे ना। हेलो, वो काम तो पीएम ही करेंगे। तो फिर इस नाराजगी का रीजन समझ नहीं आया मेरे को चचा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इसी तरह लालू और नीतीश बाबू को भी निमंत्रण मिला है, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स को भी निमंत्रण दिया गया है, मगर वो सब आएंगे या नहीं अभी तक क्लैरिटी नहीं है भाई साहब इस पर। इसके उलट हर दूसरे दिन हमें यही सुनने को मिलता है कि पीएम क्यों आ रहे हैं, बीजेपी वाले इसे राजनीतिक रंग क्यों दे रहे हैं। अरे भैया, हेलो, एक बात बताओ, शादी जिसके घर होगी शगुन का लिफाफा तो वही लेगा ना। मंदिर बीजेपी का एजेंडा था, उसी के कार्यकाल में मंदिर बन भी रहा है, तो सरकार मंदिर का उद्घाटन दिग्विजय सिंह से करवा दे क्या? बोलो बोलो, करवाना है तो बताओ। खैर, ये पार्टियां या नेता जो भी कहे, इनकी असल पीड़ा ये है कि जनरल इलेक्शन को सिर्फ 4-5 महीने पड़े हैं। राम मंदिर का उद्घाटन पिछले कई सालों की सबसे बड़ी घटना है, लोगों में जबरदस्त उत्साह है, गजब का माहौल बना हुआ है। ऐसे में उद्घाटन के वक्त पीएम वहां रहेंगे, भाषण देंगे, तो बीजेपी को इससे फायदा होगा और ये सच भी है। मगर भाई, ये ऐसी सच्चाई है जिसे आप डिनाई नहीं कर सकते। समझदारी यही होती कि आप बिना किसी हल्ले के या तो कार्यक्रम में चले जाते और नहीं जाना था तब भी कोई स्टेटमेंट नहीं देते और न जाते। अब हुआ ये कि आपको इस कार्यक्रम पर किसी भी तरह की नेगेटिव बात करने से ये लोग सबसे अलग दिखाई दे रहे हैं। सीधे शब्दों में कहूं तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग रंग में भंग डाल रहे हैं, शादी से पहले नाराज फूफा का रोल प्ले कर रहे हैं। और सच कहूं तो ये देखकर बड़ा दुख होता है। हकीकत यह है कि भगवान श्री राम जी की जन्मस्थली अयोध्या में सैकड़ों सालों बाद उनके मंदिर का बनना हर चीज से बहुत ऊपर है। ये ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी, नरेंद्र मोदी और राजनीति से कहीं ऊपर है। ये ऐसी खुशी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। ये एक ऐसा इंतजार है जिसकी कोई तुलना नहीं है। ये ऐसा परमानंद है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसलिए मेरी ऐसे तमाम लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि भैया, इस शुभ अवसर पर कोई नेगेटिव बात मत करिए। ऐसा कुछ भी मत बोलिए जिससे लोगों का दिल दुखे, माहौल में कड़वाहट पैदा हो, ऐसा कुछ मत करिए। हमें तो खुश होना चाहिए कि ये सपना हम लोगों के जीते जी पूरा हो रहा है। सोचिए, कितने लोग अदालतों में मंदिर की लड़ाई लड़ते लड़ते मर गए, कितने लोग मंदिर आंदोलन में पुलिस की गोलियों से मारे गए, कितने इस दिन को देखने से पहले इस दुनिया से चले गए। मगर आप और हम खुशकिस्मत हैं कि ये सपना हमारे जीते जी पूरा हो रहा है। और अगर ये सपना हो रहा है पूरा, तो इसके लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए, उस ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर कीजिए जो आपको ये दिन दिखा रहा है। मगर कुछ लोग इस छोटी सी सच्चाई को समझने के बजाय इस महान अवसर में भी पॉलिटिक्स का नफा नुकसान ढूंढ रहे हैं, जो कि सच में तकलीफ देने वाला है। खैर, बेहतर यही होगा कि हम ऐसे लोगों को इग्नोर करें और खुली बाहों से उस महान दिन का स्वागत करें। बाकी आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे बेतुके बयानों को जब आप सुनते हैं तो आपका क्या रिएक्शन आता है, और आपको क्या लगता है इस पे सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? प्लीज अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे जरूर शेयर करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे तो हमारे पेज को जरूर लाइक। तो जी दोस्तों, वीडियो भी खत्म। लो जी, वो मैंने बोला था ना, हमने क्या करते हैं कि हर जगह कोई ना कोई, मतलब वो क्या करते हैं, टांगे लाइन पुलिंग, फजूल की बातें, फजूल के वो क्या भाषण, फजूल की चमगोइयां करने वाले। पहली बात ये है कि 500 साल से चला आ रहा ये एक मसला जैसे तैसे आज हल हो गया। असल भाई, 500 साल पुराना ये मसला आज हल हो गया, क्या अच्छा लगता है आपको? चले, खैर, अब उनके जो पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस हैं इंडिया के, स्पेशली कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिशियंस, वो इस में भी मतलब अपनी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मतलब जारी बात है, पॉलिटिक्स खेलना उनका बनता भी है, जिसमें लालू साहब है, सीताराम नाम है, युवती है, मतलब कि ना मेरे करने की बात नहीं लेकिन मैं करूंगा जरूर, मुझे कुछ याद आ गया, नीतीश। इन लोगों को देखकर पता क्या लगता है इनको, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, जिनका आप नाम ले रहे हैं, लोगों को देखकर पता क्या लगता है? जैसे मिसाल ले लो कि यहाँ से पाकिस्तान से कोई लीडर जाता है ना हज करने, तो पीछे से अपोजिशन वाले ये कह दें कि यार ये हज करने क्यों गया है, ये क्यों जा रहा है, बाकी सारी दुनिया चली जाती है, ये क्यों जा रहा है। ये वो मिसाल है ऐसी है कि जब मुल्क का पीएम है उसने ही इनॉग्रेशन करना है, और किसने करना है, तो फिर आपको भाई आपने जाना है, जाए नहीं जा रहे तो राजा। अच्छा, ये वैसे पॉइंट बनता तो नहीं है इस पर सियासत करने वाला,
अच्छा उनका भाई सर, मैं बता दे जो पार्टी इख्तदार में बैठी हुई है ना, उनकी कोई भी डेवलपमेंट होगी, कोई भी उनकी अचीवमेंट होगी, तो जो उसकी अपोजिशन है, वे अपोजिशन है, वो कोई ना कोई तनकीद, कोई ना कोई कीड़े मकोड़े तो वहाँ से निकालेगी। जाहिर सी बात है उनकी बड़ी अचीवमेंट है, 500 साल पुराना जो मसला है वो हल हो के वहाँ पे मंदिर बन रहा है, तो अब वो उसका इफ्तिताह वगैरह करेंगे तो ये लोग पीएम मोदी करेंगे। पीएम मोदी क्यों आ रहे, यही बात है भाई, पीएम ही करेगा और कौन और कौन करेगा, कौन थाने का हवालदार छोटा करेगा भाई, पीएम साहब है उन्होंने करना है। कैसा यार, अपोजिशन जो है ना वो हमेशा तनकीद ही करती है, मैंने ये देखा, चाहे अच्छा करो अच्छे पर करती है, बुरे अच्छे पे ज्यादा करती है, अच्छे पे ज्यादा करती है। अच्छा एक बात का जवाब मुझे चाहिए इंडियन ऑडियंस से। चलो मान लिया कि यार मुसलमान तो गलत किया करते थे, आपके मंदिर तोड़ा करते थे, छोड़ो जो भी हुआ जाने दो उस बात को, ये रस्म कब से चल पड़ी आपके मुल्क में कि मस्जिदें तोड़ दी हैं। लेकिन भाई वो कहते हैं कि यार बाबरी मस्जिद से पहले, एक मिनट मुझे, बाबरी मस्जिद से पहले वो कहते हैं भाई वहां पे था, उन्होंने तो गलत किया ही किया, चलो कहा कि उन्होंने गलत कर दिया, आपने ये रस्म कब से पकड़ना शुरू कर दी। क्या मस्जिद कौन से तोड़ी है कोई बताएं तो सही, यही बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, छोड़ो यार आप दूसरी वीडियो की बात। लेकिन वो कह रहे हैं सीताराम थे, सीताराम वो हालांकि उनके नाम के अंदर भी राम आता है, और सीता भी आता है, राम सीता भी आता है, आता है, राम भी आता है, और मंदिर भी राम श्री श्री कृष्ण का आई थिंक मुझे लगता है उनके नाम से ये मंदिर है, और उनके उद्घाटन इनॉग्रेशन में ये नहीं जा रहे, ठुकरा दिया है मतलब वो प्रपोजल। ये देखिए कांग्रेस पॉलिटिशियंस हैं, कांग्रेस पार्टी के वो किसी ने ख्वाहिशाहिर की है, थोड़े हैं जिन्होंने ख्वाहिशाहिर की है कि हम जाएंगे, और जो ज्यादा हैं वो नाराज हैं या वो जाएंगे नहीं, कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है। बात मंदिर की हो रही है तो मेरे दिमाग में ना एक बात है, इंडियन ऑडियंस क्लियर करते चले, जब आपका सबसे बड़ा जो भगवान है उसका नाम क्या है, भगवान तो बहुत सारे हैं जी, वो मुझे कमेंट में आपको मिल जाएगा, लेकिन ये मंदिर जो जो 22 जनवरी को इनॉग्रेट होने वाला है ये पीएम मोदी ही करेंगे, पीएम मोदी ही करेंगे, उधर का कोई चरवाहा नहीं करेगा, उधर का कोई माली नहीं करेगा, उधर का कोई और बंदा नहीं करेगा, पीएम ही करते होते हैं इस चीज़ों को। और फिर इतना पुराना विवाद था, इतना पुराना मसला था, आज ये सॉल्व हुआ है, तो इसका जो इफ्तिताह है वो पीएम मोदी करेंगे, और ये वाले जो था मतलब के लेकर आया था ना एजेंडा कि हम उधर मस्जिद वो मंदिर बनाएंगे, ये एजेंडा भी बीजेपी लेकर आई थी कि हम उस मुद्दे पर। एक और चीज़ क्लियर होती है कि मस्जिद को तोड़ने वाले भी बीजेपी वाले लोग भाई, यस भाई ये बातें आप मुझे कमेंट में मिलेंगी, आप इस कितनी सदाकत है लाजमन देना यार, लेकिन इतना जरूर है आप भी वो बीजेपी की अपोजिशन वाला काम ही कर रहे हैं। नहीं मैं तो नेशनल चीज की नहीं, बीजेपी की अपोजिशन है ना, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, मुस्लिम पार्टीज है उधर, तो उनकी तरह लेकर आने वाले ये लोग हैं, तो भाई मस्जिद को खत्म करने वाले भी बिल्कुल यकीनन यही लोग होंगे। तो हाँ भी जो सर भाई मंदिर तोड़े हैं ना, मैं तो आपने तो पहले ही कहा था उन्होंने तो चलो किया गलत, उनकी तो ये रस्म थी वो तो करते चले आ रहे थे, आपने कब से ये काम करना शुरू कर दिया। चले ये आपने देख लिया कब से शुरू कर दिया, उन्होंने उनका पैदाइश की वो बताते हैं जगह थी, मतलब ये हुआ कि जब बहुत पावरफुल थे तो उन्होंने अपनी मर्जी की, जब आप पावरफुल है तो आप नहीं। असर भाई बहुत फर्क है, आपको नजर नहीं आता, आप तो सिर्फ और सिर्फ तनकीद करते हैं और तनकीद बरा तनकीद करते हैं, अगर तनकीद बरा इस्लाह हो वो एक अलग बात है। अगर मैं बस इसकी डिटेल में नहीं लेना चाहता, बात मुख्य इतनी सी है कि ये एक फनी टाइप की वीडियो थी, आपने उसको भी कंट्रोवर्शियल बना दिया है, बस एक दो सवाल ऐसे होते हैं कंट्रोवर्शियल, हर चीज को आप बना देते हैं, क्वेश्चन करने के बड़ा आदत, जब वो क्वेश्चन करते हैं तो आपको जवाब दिया नहीं जाता। तो शानदार थी वीडियो, आप एज अ कांग्रेस पार्टी के आपको तो वो क्या नाम है पप्पू की जगह आपको होना चाहिए था, पप्पू वो किसका नाम क्या है, राहुल गांधी की तरह आप भी काम कर रहे हो, तो वीडियो शानदार थी, वीडियो शानदार थी, मिलता नहीं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत।